हेलो एवरीवन, आप सभी का स्टडी तक में स्वागत है। मैं अमरनाथ आज आपको बताऊंगा 3 डिजिट नंबर के को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। 3 डिजिट नंबर को मल्टीप्लाई करूंगा, उससे पहले आप जान लें कि इसमें मल्टीप्लाई करने का कुछ रूल्स हैं कि कैसे मल्टीप्लाई। यदि ए बी सी और डी दो ही नंबर होगा तो हम सिर्फ डायरेक्टली नीचे करेंगे। जैसे आपको ए और बी है तो अप एंड डाउन मल्टीप्लाई करते हैं, और यदि 4 होगा तो क्रॉस करेंगे। बस यही रूल्स है इसका। सबसे पहले हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई में, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 1 into 2 दैट इज 2। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, पहले तो हमने इनको लिया, अब क्या करेंगे इन 4 को लेंगे। 4 में हमारा क्रॉस बनेगा, तो इसको इसके साथ और इसको इसके साथ। 2 into 2 4, 4 फिर 1 into 1 तो 4 plus 1 5, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या 5। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे कि इन पूरे 3 के 3 नंबर को करेंगे क्रॉस देन अप एंड डाउन। 3 into 2 6, 3 into 1 3 तो 6 plus 3 plus 2 into 1 2, 6 plus 3 9 2 11। तो 11 का हमने यहाँ पे 1 लिख दिया, 1 यहाँ पे कैरी। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पे कि इनमें फिर 2 का इन दोनों नंबर को करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 into 1 3, 2 into 3 6, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 6 plus 3 9, 1 कैरी दैट इज अ 10, अगेन 1 कैरी। फिर क्या करेंगे 3 into 3 9, अप एंड डाउन करेंगे, केवल एक सिंगल हमारा होगा फिर इन दोनों को, तो यहाँ पे सिंगल होगा क्या 3 into 3 9 plus 1 10। देखा हमने एक ही लाइन में एक ही साथ हम 3 3 नंबर का मल्टीप्लाई कर चुक सकते हैं। एक और एग्जांपल लेता हूँ मैं, जैसे एग्जांपल के लिए 7 1 2, 7 3 1। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान रखना होता है क्या हमें कि सिंगल होगा तो इनको अप एंड डाउन मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 into 1 दैट इज 2। फिर 2 होगा यहाँ पे, इन दोनों में क्रॉस करेंगे हम तो 1 into 2, 1 into 1 और 3 into 2 6 plus 1 7। फिर हम क्या करेंगे तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो तीनों को मल्टीप्लाई करते समय यहीं पे ध्यान रखना होता है कि इसमें डाउन ऐसे चलता है, फिर इसके बाद इन दोनों का आपस में, तो 7 into 3 7 into 1 7 प्लस 7 into 2 14 प्लस 3 21 प्लस 3 दैट इज 24। 24 का यहाँ पे 4 लिखेंगे और 2 कैरी रखेंगे। फिर क्या करेंगे तो एक डिजिट का हम अब इन इन सब का करेंगे, तो 7 into 3 21 प्लस 7 to 1 7, तो 21 plus 7 28 प्लस 2 30, 3 कैरी हो जाएगा यहाँ पे। फिर उसके बाद 7 into 7 49 प्लस 3 दैट इज अ 52। देखा दोस्तों, कर पहले हम करते क्या है, सबसे पहले ध्यान रखना होता है कि हमें 2 को लेना है, फिर उसके बाद 4 को लेना है तो क्रॉस होगा इन दोनों में, फिर 3 को लेना है साइड क्रॉस क्रॉस और जो बचेगा अप एंड डाउन। फिर एक काम कर देंगे तो इनको क्रॉस क्रॉस, फिर उसके बाद इन 7 7 को लेना है। इस तरह से हम कोई भी नंबर आराम से इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 3 डिजिट का कोई भी नंबर हो आप आराम से मल्टीप्लाई कर सकते हैं बिना किसी हेजिटेशन के। केवल आपको समझना क्या है, नंबर को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं और क्या करते हैं, पेयर में कैसे लेते हैं, वो चीज़ देखना होता है। जैसे ए बी सी डी ई एफ, पहले हम 2 लेंगे, तो पहले हमने 2 लिया इन दोनों को तो वर्टिकली मल्टीप्लाई ऐसे आपस में, जब एक बढ़ाएंगे हम इसे तो क्रॉस, 4 होगा तो क्रॉस। फिर इसके बाद हम एक बढ़ा दिया तो यहाँ पे ए था, तो फिर ये क्रॉस इसके साथ कॉर्नर, इस कॉर्नर का फिर इसको डायगोनल अप एंड डाउन। फिर इसके बाद 2 काम कर दिया हमने, ए ई और बी इंटू डी, फिर इसके बाद ए इंटू डी, मल्टीप्लाई करके कैरी करते जाना, अपने आप आपका 3 डिजिट का जो मल्टीप्लिकेशन है एक ही लाइन में बिना किसी प्रॉब्लम के आपको सॉल्व हो जाएगा। थैंक यू, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आने पर लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें,
अपने दोस्तों को लिंक शेयर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो भेज सकूँ। थैंक यू।